असल आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के बश्रा बीबी की रिहाई तकरीबन आज 270 से 280 रोज के बाद बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया अडियाला जेल से वो रवाना हो चुकी है और उनके वकला की जाने भी उनका जाती फैसला होगा कि वो कहाँ जाती है लेकिन इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि गालिबा वो बनी गाला जाएंगी इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग आज डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सदार एजाज इसाक खान की अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी किया गया कि इमरान खान को अदालत पेश किया जाए वो भी आपके सामने तफसीलन रखेंगे लेकिन आईनी तरमीम हो चुकी है आईनी तरमीम वो जो एक मकसद हासिल करना था दो सीनियर तरीन जजेस का रास्ता रोकना वो कर लिया गया लेकिन उसके बाद अब हालात किस तरफ जा रहे हैं और इसके अलावा सीनियर सहाफी कल काजिका साहब कल रेफरेंस कर उनका आखिरी दिन आज आखिरी दिन कोर्ट के अंदर सीनियर सहाफी क्या कह रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि मिठाई शायद खाने में मुस्लिम लीग नवाज जल्दी कर बैठी है एक एक करके तमाम तो चीजें आपके सामने रखेंगे सबसे पहले नाजर यहाँ पर बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर सदार एजाजा खान की अदालत के अंदर कहा गया कि इमरान खान को पेश किया जाए इमरान खान

सदार एजाज खान साहब ने कि वो कौन से रिपोर्ट्स है ऐसी कौन सी सिचुएशन बन चुकी थी ऐसे कौन से हालात खराब हो चुके थे जिसकी वजह से ये रिपोर्ट जमा करवाई गई और जिसकी वजह से इस मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई लेकिन जब अदालत ने देखा कि हुकूमती जानब से जो वकिन अटॉर्नी जनरल की जानब से एक टाल मटोल का जो है वो एक तरीका अपनाया जा रहा है अदालत ने पहले कहा कि आप ऑनलाइन मुलाकात अरेंज करवा दें अगर कोई मसला है अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की खराबी है लेकिन जब टाल मटोल देखी गई तो उसके बाद अदालत ने कहा इमरान खान को अदालत में पेश करें तीन बजे तक अदालत में लेकर आए और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि अभी सुप्रिंटेंडन अंडियाला जेल साहब पहुंचे यहां पर अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो इसी तरह को इमरान खान को भी न्याय कोई मसला नहीं होगा उसके साथ साथ उन्होंने तो ये भी कहा कि मुझे मैं जानता हूं कि आप मेरा ऑर्डर मानेंगे नहीं मुझे पता है कि आप मेरा ऑर्डर नहीं मानेंगे लेकिन मुझे ऑर्डर लिखवाने दे ये यानी इस वक्त मुल्की अदालतों की सूर्त हाल है कि अदालतें जानती हैं ऑर्डर लिखवाते हुए कि ऑर्डर माना नहीं जाएगा लेकिन सरदार एजाज इस खान साहब ने फिर भी अपना ऑर्डर लिखवाया और उन्होंने एक एक जिस तरह से केस आज कंडक्ट किया वो लग रहा था कि किस तरीके से वो अपना एक मनवाने की एक पोजिशन में या मनवाने के एक मूड में नजर आ रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर ना लाया गया तो कल आप बताएंगे कि अदालत में इमरान खान को क्यों बानी पीटीआई को पेश नहीं किया गया और मुझे किसी किस्म की जब उनको बार बार कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो इजाज़ एजाजा खान साहब ने कहा कि मुझे किसी किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट्स की परवाह नहीं है मैं अब, अब, उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूं यहाँ पर और मैं कुरान पर हल्फ लूंगा और मैं जो सीक्रेट रिपोर्ट्स देखने वाले हैं उनको कुरान पर हल्फ लेकर यहां बुलाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि बताएं वो कौन सी सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या वो कौन थ्रेट से सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जिसकी वजह से यह सब कुछ किया गया उन्होंने साथ ये भी कहा जब स्टेट काउंसिल की जानब से कहा गया अब खान इसा खान साहब ने कहा कि वो कौन सा ऑर्डर है लाइम मुझे दिखाएं वो कौन सा ऑर्डर है जहां पर ये कहा गया जब गालिबन स्टेट काउंसिल ने कहा कि हमारे पास वो ऑर्डर मौजूद है जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की मुलाकात के ऊपर पाबंदी और ऑर्डर अप्रूव हुआ था तो जज साहब ने कहा कि वो ऑर्डर मुझे दिखाए वो कौन सा ऑर्डर है तो फिर इस लाया गया और कहा गया कि ये वो ऑर्डर है जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इस बिना के ऊपर इस वजह से जो है वो मुलाकात नहीं मुमकिन तो जज साहब ने कहा कि ये जो ऑर्डर है ये इमरान खान की बहनों से मुताल है जो मैं ऑर्डर दे रहा हूं वो इमरान खान की लीगल टीम से मुलाकात के मुतालिक

फिर से एक मरतबा कहा कि सीक्रेट रिपोर्ट्स जो लिखी गई है लिखी है उनको बुलवाऊंगा और उनसे कुरान के ऊपर हल्फ लूंगा जज साहब ने कहा कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट अहम है या इंसाफ तक रसाई क्या इस मुल्क में अहम नहीं है और उसके साथ जज साहब ने कहा कि आप तोहही अदालत की केस में जब जज साहब को कहा गया कि आप तोहनी अदालत केस में ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते यानी जज साहब को बाकायदा तौर पर डिक्टेट करने की भी कोशिश की गई और कहा गया कि जी आप तो ही अदालत केस में ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते जिस पर जज साहब ने कहा कि मैं आपको ऐसा ऑर्डर लिखकर दिखाऊंगा जो कुछ आप कर रहे हैं कल आप रोएंगे जो कुछ आप कर रहे हैं ये सब कुछ जो हो रहा है कल आप लोगों के आगे आएगा कल आप लोग रोएंगे और इस तरीके से समाज का अहतम पजीर हुए लेकिन सलमान खान राजा साहब की स्टेटमेंट अब से कुछ देर कबल और वो कह रहे हैं कि सदार एजाज इस खान की अदालत ने जब हुक्म दिया कि इमरान खान को अदालत पेश किया जाए तो रियासत ने मौकफ दिया कि हम अदालत की तोहिन करते रहेंगे आपने जेल में डालना है तो डाल दें रियासत अब खुलेआम कह रही है कि हम अदालत और कानून का एहतराम नहीं करते यानी रियासत ने पहले ऑनलाइन मुलाकात का कहा जिसके ऊपर टाल मटोल का इजहार किया गया फिर जब रियासत ने जब ऑर्डर देने की कोशिश की तो रियासत को ये बावर कराने की कोशिश

आइनी तरमीम हो चुकी है और आयनी तरमीम जो एक मकसद पूरा करना था जो कुछ हासिल करना मकसूद था वो सब हो चुका है लेकिन आइनी तरमीम के हवाले से अब जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है वो ये है कि जब भी कोई आईनी नुकता आता है तो जजेस वो नहीं सुनते कल मंसूर अली शाह साहब ने नहीं सुना आज कहा जा रहा है या फ्रीदी साहब का अदालत के अंदर जो एक दिन था चार्ज उन्होंने काइंड ऑफ आप कह कहने काइंड ऑफ संभाल लिया जिस तरीके से उनको कुछ प्रेजेंटेशन भी दी जाएंगी रजिस्ट्रार्स की जानव से लेकिन आज या फ्रदी साहब ने भी एक केस के अंदर जब आईनी नुकता आया तो उन्होंने कहा कि आईनी बेंच के पास जाएगा लेकिन अब मसला यह कि आईनी बेंच

ये बहुत दिलचस्प मामला है और अब हुकूमत सर जुड़े बैठे हैं हुकूमत के लोग इस्टेब्लिशमेंट के लोग के इसका क्या करें ये जो एक लखून आ गया इसका क्या करना है वो इस आइनी तरह के जरिए दो वारदातें डाली गई थी एक जस्टिस मनसूर शाह का रास्ता रोका गया दूसरा जो चीफ जस्टिस बनाए गए जस्टिस जया फ्री उनको भी गुनाह बे लजत के लिए चीफ जस्टिस बनाया गया और असल जो गेम थी वो वो आइनी बेंच की तश्ील थी और आइनी बेंच की तशकील होनी थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जो नया तश्ील का जुडिशल पाकिस्तान था लेकिन अब वहाँ पर बात फंस गई है कि उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिसने जजेस की तैनाती करनी है जिसने आईनी बेंच बनाना है उस बेंच के मेंबर्स डिसाइड करने हैं कौन होंगे कितने होंगे कौन उस आईनी बेंच का सरबरा होगा अब हुकूमत के आंखों का तारा तो इस वक्त जैसे अमीनुद्दीन खान है कि वो उनको किस तरह आईनी बेंच में ले आए लेकिन मामला यहाँ फंस गया कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि चीफ जस्टिस सरबरा होगा थ्री मोस्ट सीनियर जजेज होंगे उनके साथ ठीक है और एक आईनी अदालत का सरबरा जज होगा उसके साथ से असद तुर साहब की एक और स्टोरी सामने आई है और वो ये बता रहे हैं कि ये जो छब्बीसवीं आनी तरमीम का मामला है जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लटक रहा है तब तक काजी फायदी साहब बेशक जा भी रहे हैं लेकिन तब तक ये जो निजाम के अंदर एक बदबू है ये आपको महसूस होगी ये निजाम जिस तरह से गंदा हो चुका है फिलदी हो चुका है ये आपको फील होता रहेगा क्योंकि छब्बीस आईनी तरम से पहले जो कुछ काजी साहब करके जा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने तिरसठ बनायादीन खान को शामिल किया बेंच को पहले ऑर्डिनेंस के तहत तोड़वाया और किस तरीके से वोट डले और सब कुछ वो ये आईनी तरम वजूद में आई ये वीडियो भी सुनेगा ये ऑडियो सुनेगा कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि जब तक ये लटकती रहेगी आईनी तरमीम तक तब तब तक ये पानी जो है वो पाक नहीं हो सकता याद रखिए कि जब तक छब्बीसवीं आइनी तरमीम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के कुएं में काजी फायदिशा लटका हुआ है जब तक छब्बीसवीं आइनी तरमीम नहीं निकाली जाएगी काजी फायदिशा सुप्रीम कोर्ट में लटका रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के पानी से बदबू आती रहेगी सुप्रीम कोर्ट का पानी नापाक रहेगा क्योंकि छब्बीसवीं आइनी तरमीम की सूरत में कादी फाइजीशा ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अदलिया तबाह की है एक मेरिट और सीनियरिटी दोनों प्रिंसिपल पर चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस मंसूर शाह का रास्ता रुका है तो ये नहीं हो सकता

Uh, जो उन्होंने आप कह सकते हैं कादी साहब को लिखा लेकिन इस खत का उन्होंने बड़ा दिलचस्प किया उन्होंने कहा कि इन द एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ कोर्ट उन्होंने एक कोर्ट यानी एक एक कोर्ट अनकोट करके एक स्टेटमेंट लिखा वहां पर जो कोर्ट वो कह क्या रहा है उसमें लिखा है कि आई थिंक दैट व्हेन स्टेट्समैन फॉर सेक देर ओन प्राइवेट कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ देयर पब्लिक ड्यूटीज दे लीड देयर कंट्री बाय अ शॉर्ट रूट टू क्यो यानी जब आप अपनी जीती तर्जीत को अपनी पब्लिक ड्यूटीज के ऊपर फोकियत देते हैं इन शॉर्ट ये उन्होंने कहा तो तब आप मुल्क को एक की तरफ ले जाते हैं और उस, इसके बाद जो अगली लाइन है वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है वो कह रहे हैं कि वी ऑफन इन पावर दैट पीपल ऑफ दिस कंट्री आर एंड दैट हिस्ट्री नेवर फोगेव यानी जब भी हम ताकत में होते हैं जब भी हम ताकत की कुर्सी पर बैठे होते हैं हम भूल जाते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं और हम भूल जाते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं कि चीज लोग याद रखेंगे और जो हिस्ट्री है जो तारीख है उसमें सब लिखा जाता है और फिर तारीख कभी भी भूलती नहीं है तो ये मनसूर अली शाह का ये खत क्या कादी फायज ईसा साहब को झंझोड़ने के लिए था क्या जमीर जाग सकता है कैसे इंसान का कुछ बड़े अहम तरीन सवाल आते रहे मनसूर अली शाह साहब साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो उम्रे पर रवाना हो रहे हैं और कल जो अलविदाई रेफरेंस है उसकी उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे लेकिन आज उनका खत और बाजाय वाज तौर पर उन्होंने कह दिया है जब तक ये जो मामला है किसी फुल कोर्ट नहीं बनता जब तक किसी खसूस बेंच पर नहीं बैठूंगा दूसरी जानब जो जुडिशियल कमीशन वाला मामला है वो आपके सामने रख दिया कि उसमें कितनी बड़ी लीगल हर्डल्स मौजूद है यानी वाक्यता ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम एक नवाज ने और इस सेटअप ने बहुत जल्दी कर दिया है मिठाई खाने में और वो जल्दी हमें दिखाई दे रही है अब यहाँ पर हामिद मीर साहब भी कुछ तबसरा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं काजी फायदीसा जैसे जज की हिमायत करता रहा जो अपने ही फैसलों के खिलाफ वर्जी करते थे अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नजरिया जरूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया अब तो बहुत से वकला ये कह रहे हैं कि मुनीर से ज़्यादा बुरा जज बलोचि ने पैदा किया कादी फादीसा के दौर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और गैर एलानिया सेंसरशिप में इजाफा हुआ कादी साहब इन मामला पर ना सिर्फ खामोश रहे बल्कि खुद से बजाते खुद भी आ, सहाफियों के हवाले से वो क्या बातें करते हैं हम सब जानते हैं कभी ड्रम बीटर्स कभी पागल कुत्तों से तशबी दी गई यानी आज ये तमामी जो जो बादा गले सूख जाते थे उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए आज वो कादी साहब के जाने के ऊपर ये कह रहे हैं कि कादी साहब जो है उनकी मैं अगर तरफदारी करता था कभी तो मैं गलत था और बलोचिस्तान ने कोयटा ने जस्टिस मुनीर से भी बुरा जज पैदा किया है प्रोड्यूस किया है और इसके साथ साथ कादी साहब को भी आज ये चीजें बड़ी आ, पता नहीं अब वो जब कल कुर्सी से उतरेंगे तो चीजें उनके सामने क्लियर होंगी और उन्हें शायद समझ आना शुरू हो कि वो कुर्सी की ताकत ही थी शायद उन्हें असल में नजर नहीं आ रहा था वो चश्मा जब उतार के नीचे रखेंगे और एक आम आदमी बनेंगे तो शायद उन्हें चीजें समझ में आना शुरू हो कि वो क्या कुछ कर गए और ये चीजें आखिर

जब बारह जुलाई को उन्होंने वजाती फैसला जारी किया तो बारह जुलाई को फैसले के बाद उन्होंने अपनी बेगम को एक मैसेज किया और मैसेज लिखा कि मैंने आपके लीडर का काम कर दिया है मंसूर मंसूर अली शाह के हवाले से उन्होंने फिर लिखा कि इनके ऐसे कई मैसेजेस एजेंसियों के हाथ लगे हैं जिससे ये साबित हुआ है कि वो चीज जस्टिस बनने के बाद हुकूमत का तख्ता उलट देते और वो तमाम तर दुरानी साहब की जानब से ये भी कहा गया कि वो ख्वाजा आसिफ और राना सना साहब जो कुछ कह रहे थे कि अगर ये जज साहब आ गए तो ये हमारी हुकूमत का तख्ता उलट देंगे तो अब उनसे मनसूब किए जा रहे हैं कि कुछ मैसेजेस और कुछ खुफिया इदारों के पास उनके कुछ मैसेजेस कुछ चैट मौजूद थी कुछ रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी जिसके बाईस ये एक बहाना एक्सक्यूज बना के सामने लाया जा रहा है कि उनको नहीं बनाया गया बहर अलमिया पाकिस्तान का मेरिट के ऊपर एक अपराइट जज जिसका मेरिट भी था जो बनता भी था जिसके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं था और उसको नहीं बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हुकूमत को वो इस टाइम सूट नहीं करते थे देखते रहिए सियासत डॉट हकूमत ने यह फैसला किया था कि वो किसी सूरत भी जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बनने देंगे और आयनी तरमीम का यही जो हकूमत इस हवाले से ही काफी दिनों से जो आपको पता है तक दो दो कर रही थी कि पच्चीस अक्टूबर से पहले ही ये आयनी तरमीम हो गई तो ये कायम या उसके ऊपर मदरामद हो सकेगा वरना पच्चीस अक्टूबर के बाद हुआ तो यही कुछ जो है वो बिलावल ने बोलना

दस्तक दी गई लेकिन हर तरफ से खामोशी है सनाटा है कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनने को तैयार नहीं है लेकिन इसका हल क्या है क्या खामोश हो जाए क्या सवाल ना करें क्या मालूम आप तक ना पहुंचाएं क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं मालूम भी पहुंचेगी इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी सवाल भी उठेंगे लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है प्रोसेस है उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें हमारा हिस्सा बने हमारी ताकत बने ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज